तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज पर जिसका नाम है नार्कोज। दोस्तों ये सीरीज दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर पर बेस्ड है यानी कि पाब्लो एस्कोबार पर। ये बंदा दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का बिजनेस चलाता था और ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से भी एक था। गाइज नार्कोज सीरीज के कुल 5 सीजन है। सीजन 1 एंड सीजन 2 पाब्लो पर बेस्ड है। सीजन 3 कैली कार्टेल नाम के एक और संगठन पर बेस्ड है जो भी इसी धंधे में थी। और इन 3 सीजन्स के बाद नार्कोज मेक्सिको के 2 और सीजन्स है। तो इन सीरीज की जर्नी काफी लंबी होने वाली है और इन पर वीडियोस बनाने में भी मुझे काफी मेहनत लगेगी। तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और हाँ गाइज, इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.8 out of 10। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये सीरीज काफी अच्छी चली थी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक DEA एजेंट स्टीव मर्फी की आवाज सुनाई जाती है। अब DEA का मतलब होता है ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और गाइज इसी DEA एजेंट स्टीव मर्फी ने पाब्लो को पकड़वाया था और एंड में मरवा भी दिया था। और ये अब हमें इसकी पूरी कहानी बताने वाला है, वो भी इसी सीरीज की मदद से। फर्स्ट सीन में हम कहानी को चिले में स्टार्ट होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर माटेओ मरिनो नाम का एक आदमी अपने पार्टनर्स के साथ नशीले पदार्थ बेचता था। पर जब उनके देश में न्यू प्रेसिडेंट आया तो उसने ड्रग डीलर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। और उसके कुछ ही दिनों बाद माटेओ मरिनो के अड्डे पर आर्मी ने छापा मारा और सभी को एक एक करके मरवा दिया गया। पर इन लोगों में से माटेओ मरिनो बच निकला था। तो एजेंट मर्फी अपने आवाज में एक काफी सही एग्जाम्पल देता है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर दुनिया में परमाणु हमले हुए तो सब लोग मारे जाएंगे और सिर्फ कॉकरोच बचेंगे, ठीक वैसे ही माटेओ मरिनो कॉकरोच की तरह जिंदा बच गया था। और गाइस तब से ही माटेओ मरिनो का नाम कॉकरोच पड़ा। अब वो अकेला डीलर बचा था और उसके पास काफी ज्यादा माल भी था, तो उसने अपना कारोबार कोलंबिया में लाने का सोचा, जहाँ पर 3 गॉडफादर्स थे जो नशीली चीजों को कोलंबिया से अमेरिका ले जाते थे और वहाँ पर ऊंचे दामों में बेच देते थे। इनमें से सबसे पहले थे ओचोहा ब्रदर्स जो शुरुआत में सबसे अमीर थे, दूसरा था जॉस रॉड्रिगेस गाचा और तीसरा था पाब्लो एस्कोबार। कॉकरोच को पहले 2 गॉडफादर्स पर ज्यादा यकीन नहीं था, तो उसने अपने बिजनेस के लिए पाब्लो को चुना जो आज तक सिगरेट्स गांजा ऐसी चीजें बेचता था। और ये फर्स्ट टाइम था कि वो ड्रग के धंधे में उतरने वाला था। कॉकरोच एंड पाब्लो एक बार में मिलते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उस समय पाब्लो के जेब में मेडिलिन सिटी थी, जहाँ की आधे से ज्यादा पुलिस पाब्लो के लिए काम करती थी। कॉकरोच, पाब्लो एंड पाब्लो का कजिन गुस्ताबो, ये तीनों आपस में डील करते हैं और उनका पहला टारगेट बनता है मायामी, जहाँ से इनको मिलियंस में फायदा होने वाला था। और तभी हम मायामी में ये कहानी बता रहे DEA एजेंट यानी कि स्टीव मर्फी को देख पाते हैं, जो वहाँ उस समय लोकल डीलर्स को पकड़ रहा था। इस एजेंट स्टीव का एक और पार्टनर भी था जिसका नाम था केविन। एजेंट मर्फी एंड उसके पार्टनर्स रात को एक बार में जाते हैं और वहाँ पर मर्फी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था कोनी, और लेटर इनकी शादी होती है। अब गाइज इनकी आपस में काफी लव स्टोरी भी है, पर ये पार्ट मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैं आपको ये स्किप करके बता रहा हूँ। एनीवेज हम यहाँ पर पाब्लो, उसका कजिन गुस्तावो एंड कॉकरोच को देखते हैं, जो कोलंबिया के घने जंगलों में किसी खास पत्ते को प्रोसेस करके पेस्ट बनाता हुआ देखते हैं, जिसे सुखा के उसकी पाउडर बनती थी। और गाइज इसी को हम ड्रग्स बोलते हैं। शुरुआत में ये लोग 5 किलो पाउडर लेते हैं। अब गाइज मैं ड्रग को अब से पाउडर बोलूंगा ताकि वीडियो में दिक्कत ना हो, बिकॉज यूट्यूब वीडियो डिमोनेटाइज कर सकता है। तो इस कहानी में हम लोग आगे ये देखते हैं कि ये लोग 5 किलो पाउडर को कार्स में अलग अलग जगह पर छुपा के बॉर्डर क्रॉस करके एक रूट से इस पाउडर को ले जाके किसी और देश में बेच देते थे। सुन इनका बिजनेस बढ़ने लगा और पाब्लो सिर्फ 3 कार्स में $500,000 का माल ले जाके बेच देता था। वो काफी जल्दी अमीर हो गया था। उसने काफी ज्यादा घर भी खरीद लिए थे और उसने अपने ही शहर में खुलेआम एक घर में अपनी खुद की लैब स्टार्ट की, जहाँ पर भी पाउडर बनाई जाती थी और उन्हें भी वो बेच देता था। सुन पाब्लो ने अपनी नजरें USA की तरफ मोड़ी और वो अपनी मॉम की मदद से जैकेट्स में पाउडर छुपाने के लिए जगह बनवाता था। एंड अपना एक आदमी जिसका नाम लायन था, उसे वो ये जैकेट पहना के US भेज देता था। और उस समय उतनी सिक्योरिटी चेक्स भी नहीं होती थी। पाब्लो की एक वाइफ भी थी जिसका नाम था टाटा।
और उसकी माँ भी थी, और ये लोग भी पाब्लो के धंधे में उसे सपोर्ट करते थे। सुन, लायन यूएस में काफी माल बेचने लगा और हर हफ्ते वो कई सारे ट्रिप्स करने लगा। वो जाते समय माल ले जाता था और आते समय काफी ज्यादा पैसे लेके आता था। सुन, पाब्लो के कार्स जिसमें वो माल छुपा के ले जाता था वो अब ट्रक्स में बदल गई थी, और उन ट्रक्स में ऊपर पोटैटोस को भर दिया जाता था और उसके नीचे पाउडर छुपा के रखी जाती थी ताकि वो किसी की भी नजर में ना आए। अब माल ज्यादा था एंड डिमांड भी ज्यादा थी, तो पाब्लो ने लायन की मदद से एयरपोर्ट्स पर पायलट्स को भी खरीद लिया और कई सारे औरतों को भी पैसे देके उन्हें वो पाउडर की बैग्स को निगलवा देता था। और जैसे ही ये लोग यूएस पहुंचते थे, पाउडर की छोटी बैग्स इन औरतों के पेट से उल्टी करके निकाली जाती थी और उन्हें बेच दिया जाता था। अब ये बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि पाब्लो ने खुद का एक प्राइवेट प्लेन दिया और एक आदमी को, यानी कि कार्लोस को जो पायलट था, उसे प्लेन में बिठा के 1300 किलो पाउडर वो हर रोज मायामी में बेच देता था, जिसके चलते उसे हर रोज मिलियंस का फायदा हो रहा था। एंड गुस्तावो, उसका कजिन, हमेशा उसके साथ रहता था और बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज ढूंढता रहता था, जिसके चलते ये लोग पकड़े ना जाए। जल्द ही बाकी गॉडफादर्स के नजरों में ये बात आ जाती है, यानी कि ओचोआ ब्रदर्स एंड गाचा। तो इन लोगों ने पाब्लो के साथ मीटिंग की और उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब तीन गॉडफादर्स एक हो चुके थे, जिसके चलते ये बिजनेस 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। पाब्लो एंड उसके पार्टनर्स पुलिस एंड गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने के लिए 60 से 70 किलो माल हमेशा पकड़वा देते थे, ताकि पुलिस एंड गवर्नमेंट की नजर इस 60-70 किलो के माल पर जाए और पाब्लो के बाकी आदमी हजारों किलो का माल उनके नाक के नीचे से वहां से लेकर चले जाए। मायामी में डीईए एजेंट मर्फी की नजर में ये बात आ गई थी और उसने मायामी में पाब्लो के आदमियों को मारना स्टार्ट कर दिया था, पर कोई भी फायदा नहीं था। चाहे कितने भी लोग वो मार दे, पाब्लो को हमेशा नए लोग मिल ही जाते थे उसके अंडर काम करने के लिए। बिजनेस पीक पॉइंट पर था तब कॉकरोच को लगने लगा कि पाब्लो उसे कम पैसा दे रहा है, तो उसने एक बड़ी गलती कर दी। वो पाब्लो के खिलाफ हो गया और उसने पुलिस वालों को, जो पाब्लो के लिए काम नहीं करते थे, उन्हें पाब्लो के माल से भरे ट्रक्स की जानकारी दे दी। एंड एक दिन पुलिस ने पाब्लो के कुछ ट्रक्स को पकड़ लिया, जिससे एक ही दिन में पाब्लो को काफी नुकसान हुआ था। पाब्लो को शुरुआत में ये बात पता नहीं थी कि इसके पीछे कॉकरोच है, इसीलिए वो पुलिस वालों से बात करने जाता है और उन्हें वो डायरेक्टली खरीदने जाता है उन्हीं के पुलिस स्टेशन में, वो भी अकेले। वहां पर पुलिस ने पाब्लो की एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा पाब्लो को ही अरेस्ट कर लिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई, और साथ ही साथ पाब्लो की एज ए गुनहगार फोटोज भी ली गई। अब गाइज, आप लोग इस फोटो वाली बात को याद रखना, इस फोटो के कारण पाब्लो को आगे दिक्कत होने वाली है। पाब्लो इस पुलिस स्टेशन से तो मिनटों में निकल जाता है अपने पैसों के एंड ताकत के दम पर उसने पुलिस इंस्पेक्टर से ये पूछ लिया था कि तुम्हें हमारे ट्रक्स पकड़ने की टिप किसने दी थी, और नाम सामने आया कॉकरोच का। तो अगले ही दिन पाब्लो ने कॉकरोच को मार दिया और उन पुलिस वालों को भी जिन्होंने उसके ट्रक्स पकड़े थे। अलसो दूसरी तरफ पाब्लो के आदमियों ने कॉकरोच के आदमियों को भी मार दिया था जो उसके लिए अमेरिका में काम करते थे। और जब पाब्लो के आदमी कॉकरोच के आदमियों को मार रहे थे, उस समय डीईए एजेंट मर्फी भी वहीं पर था, और मर्फी को ये बात पता चल गई थी कि पाब्लो कोलंबिया से मायामी में अपने आदमियों के जरिए लोगों को मरवा रहा है। तो उसने ये फैसला कर लिया था कि वो मायामी से कोलंबिया आएगा और पाब्लो को, जो उसके देश में यानी कि यूएस में पाउडर बेच रहा है और यूएस के आदमियों को बुरी आदत लगा रहा है, उस पाब्लो एस्कोबार को वो खत्म कर देगा। अल्सो ये बात अमेरिकन गवर्नमेंट की नजर में भी आ गई थी, एंड यूएस प्रेसिडेंट ने खुलेआम टीवी पर नार्कोस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम मर्फी एंड कॉनी को देख पाते हैं, जो अब यूएस से कोलंबिया आने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पर हम पाब्लो के आदमी कार्लोस को देखते हैं, जिसने पाब्लो के साथ काम करके इतने पैसे कमा लिए थे कि उसका खुद का एक आइलैंड था और वहाँ वो पाब्लो के प्लेन में फ्यूल भरवाने के लिए रुकता था। तो सोचो गाइस, पाब्लो के लिए काम करने वाला जो आदमी था उसके पास इतना पैसा था, तो पाब्लो के पास कितना होगा। पाब्लो एंड उसका कजिन गुस्तावो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने व्हीकल्स को इतना अच्छे से डिजाइन किया था कि पुलिस डॉग या फिर कोई भी उनके व्हीकल्स में से पाउडर कहां पर छुपी है ये बता नहीं सकता था। पाब्लो ने अपने पैसों को मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट रखा था जिसका नाम था ब्लैक बियर्ड। पाब्लो एंड उसके पार्टनर्स काफी खुश थे, पर उनके पास पैसा इतना हो गया था कि ये सवाल खड़ा हो गया था कि इतना पैसा कहां पर रखा जाए। तो मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो कैश थी उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, खेतों में गाड़ा जाता है और ऐसी ऐसी जगहों पर छुपाया जाता है जहां पर कोई भी सोच नहीं सकता,
और पाब्लो को खुद भी ये नहीं पता था कि उसके पैसे कहाँ कहाँ पर छुपाए गए हैं। अकाउंट्स की सारी जिम्मेदारी ब्लैक बियर्ड की थी और उसने सारे रिकॉर्ड्स अपने पास ही रखे हुए थे, पर इनके पास पैसा इतना था कि कोलंबियन कम्युनिस्ट ग्रुप M19 की नजर इन पर पड़ती है। अब ये M19 जो कम्युनिस्ट ग्रुप था वो जंगलों में रहता था और काफी खतरनाक था। अब उस समय पाब्लो गरीब लोगों की काफी मदद करता था, उन्हें काफी पैसे देता था, ऐसा इस सीरीज में हमें दिखाया गया है। तो M19 के लोग उसे टारगेट करने के बजाय उसके पार्टनर्स ओचोहा ब्रदर्स को टारगेट करने का डिसाइड करते हैं, और इनमें आपस में ये तय होता है कि ये लोग ओचोहा ब्रदर्स की बहन को उठा लेंगे एंड बदले में इतना पैसा मांगेंगे जिससे इनका ग्रुप अमीर हो जाए। और ऐसे ही होता है, अगले ही दिन ओचोहा ब्रदर्स की बहन को किडनैप किया जाता है। और गाइस, ये M19 की एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दूसरी तरफ हम अगेन DEA एजेंट स्टीव मर्फी को उसके वाइफ के साथ देख पाते हैं जो कोलंबिया आ चुके थे। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, पाब्लो को खबर पहुंचाई जाती है। अलसो एयरपोर्ट पर वहाँ का स्टाफ कुछ रीजंस देके कई घंटों तक एयरपोर्ट पर ही इन्हें बिठा कर रखता है। एंड देन पाब्लो की इजाजत से एक सीनियर ऑफिसर वहाँ आता है और वो एजेंट स्टीव के पासपोर्ट की जेरोक्स लेके उसे एंड उसके वाइफ को वहाँ से जाने देता है। और इस पासपोर्ट की जेरोक्स को पाब्लो के आदमियों के पास पहुँचाया जाता है, यानी पाब्लो के पास हर उस बात की जानकारी रहती थी जिसके चलते उसे आगे खतरा हो सकता था। देन पाब्लो कोलंबियन पॉलिटिक्स में उतरने वाला था एंड कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने की उसकी इच्छा थी। उस समय उसने लोगों के लिए काफी अच्छी चीजें की थी, ऐसा हमें इस सीरीज में दिखाया गया है, जैसे गरीबों के लिए घर बनाना, हॉस्पिटल्स खोलना, स्कूल्स एंड रोड्स बनाना एक्सेट्रा। अब वो करता भी क्या, उसके पास पैसा ही इतना था कि वो इतनी चीजें अपने कुछ ही दिनों के कमाई से कर सकता था। सुन, उसके इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, कोलंबियन लोग भी उसे काफी सपोर्ट करते थे। एंड गाइस, टू बी सरप्राइज, लोगों में से किसी को भी ये पता ही नहीं था कि पाब्लो एक ड्रग डीलर है, या फिर पता भी था तो किसी के पास भी इसके खिलाफ सबूत नहीं था, बिकॉज पाब्लो ने कुछ ऐसे बिजनेस भी खोल रखे थे जो गवर्नमेंट की नजरों में लीगल थे। तो सब कुछ सही चल रहा था और वो प्रेसिडेंट बनने के सबसे करीब भी था। अब देख रहे हो गाइज, एक ड्रग डीलर को लोग प्रेसिडेंट बनाने वाले थे। पाब्लो का एक और लड़की के साथ अफेयर था जो कोलंबियन न्यूज में एक बड़ी रिपोर्टर थी, और उसने इस रिपोर्टर से भी रिलेशन इसीलिए बनाया था ताकि आगे वो पॉलिटिकल चीजों में उसकी मदद ले सके। दूसरी तरफ हमें एजेंट स्ट्यू के पार्टनर एजेंट पिनिया को दिखाया जाता है, और वो भी एक DEA एजेंट था। वो समय आता है जब दोनों DEA एजेंट साथ आते हैं और दोनों अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। ये लोग एम्बेसडर की परमिशन से पाब्लो के शहर में यानी कि मेडेलिन में एंटर करते हैं, और मेडेलिन शहर में एक जगह ऐसी थी जहां पर पाब्लो अभी तक अपनी पकड़ नहीं बना पाया था, और वो जगह थी कार्लोस होलिगन स्कूल, जो एक पुलिस बेस था जिसका हेड था कर्नल कारिलोस। और एजेंट पेनिया एंड एजेंट स्ट्यू की ही तरह कारिलोस का भी एक ही मकसद था, पाब्लो को या तो पकड़ना या तो एंड में मार देना। ये तीनों लोग एक होटल में आते हैं जहाँ पर नार्कोस के सभी पार्टनर्स यानी के ओचोहा ब्रदर्स, गाचा एंड पाब्लो और उसका भाई गुस्तावो एक ही जगह पर मिलने वाले थे, और इनके साथ में इनके अंडर काम करने वाले काफी बड़े बड़े लोग थे जो इनके राइट हैंड्स भी थे। और पाब्लो सारे नार्कोस गैंग को इकट्ठा करके अपने आप को वहाँ का लीडर घोषित करता है एंड अपने गैंग को मेडेलिन कार्टेल नाम देता है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम था कि पाब्लो ने अपने गैंग का नाम रखा था जो था मेडेलिन कार्टेल। इनकी मीटिंग एंड होती है एंड ये लोग लड़कियां बुलाते हैं, एंड इन लड़कियों के बीच में एजेंट पेनिया की एक खबरी भी मौजूद थी जो गाचा यानी कि पाब्लो के पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा के नार्कोस की सारी जानकारी निकालने वाली थी, और इस जानकारी को वो DEA एजेंट्स को प्रोवाइड करने वाली थी, और इस इन्फॉर्मेशन के चलते ये लोग आसानी से पाब्लो को पकड़ सकते थे। पर गाइस, गाचा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो एजेंट पेनिया की खबरी को यानी कि हेलेना को पहचान जाता है और वो उसे अपने एक छोटे से अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर उसके आदमी उस लड़की के साथ काफी जुल्म करते हैं। तो एजेंट पेनिया एंड ऑफिसर कोरिलो को जब इसकी खबर लगती है, वो लोग एजेंट स्ट्यू को वहीं पर रुकने बोल के गाचा के छोटे से बेस को ढूंढ निकालते हैं, और वहाँ पर मौजूद सारे आदमियों को पुलिस एंड एजेंट पेनिया मार देता है एंड हेलेना को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और गाइज, ये फर्स्ट टाइम था जब नार्कोस DEA एजेंट एंड पुलिस के बीच में काफी फायरिंग हुई थी जिसके चलते जंग का ऐलान तो अब हो चुका था, एंड इस शुरुआती फाइट में पाब्लो के गैंग के कुछ लोग मारे गए थे। पाब्लो को ये बात पता चल चुकी थी, पर पहले वो ओचोहा ब्रदर्स की बहन को रेस्क्यू करने का सोचता है एंड अपने आदमियों को भेज के वो कम्युनिस्ट ग्रुप M19 के एक एक बंदे को जान से मार देता है, और उन्हें मार के वो पेड़ों पर टांग के उनके सामने फोटोज भी लेता है। और ये काफी खतरनाक सीन था, यानी कि पाब्लो के सामने दो प्रॉब्लम्स आई थी,
एक प्रॉब्लम थी M19 ग्रुप, जिन्होंने उसके पार्टनर ओचोआ ब्रदर्स की बहन को किडनैप किया था, एंड दूसरे थे DEA एजेंट्स एंड पुलिस। तो उसने पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, यानी कि M19 वाले प्रॉब्लम को। पाब्लो M19 के लीडर को अपने साथ काम पर रख लेता है, बिकॉज M19 का जो लीडर था वो पाब्लो को काफी मानता था, और ऐसे ही पाब्लो और भी स्ट्रांग होते जा रहा था। और इसी के साथ गाइज एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम पाब्लो को एंड उसकी गर्लफ्रेंड रिपोर्टर वैलेरिया को देख पाते हैं, एंड वैलेरिया बोलती है कि तुम्हें पब्लिक का तो सपोर्ट है, पर तुम्हें अपनी इमेज क्लीन दिखाने के लिए पॉलिटिकल लोगों में अपने व्हाइट बिजनेस को सामने लाना होगा, और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को ये प्रूव करना होगा कि तुम पाउडर नहीं बेचते। तो पाब्लो वैलेरिया की मदद से एक बड़ा वकील हायर करता है, जिसका नाम था डोडुके, और पाब्लो उसे $300,000 की रिश्वत खिला के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के सामने बेचता है, ताकि उसे प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन टिकट मिले। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस पाब्लो को ड्रग डीलर बोलता है, तो वकील बोलता है कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट की चाल है, जो पाब्लो जैसे अच्छे आदमी को प्रेसिडेंट बनने नहीं देना चाहती, और अमेरिका को लगता है कि अगर पाब्लो प्रेसिडेंट बनेगा तो कोलंबिया सुपीरियर बनेगा, और ये वो नहीं चाहती, और इसीलिए वो पाब्लो की इमेज खराब कर रहे हैं। अल्सो वकील ये भी बोलता है कि अगर पाब्लो पाउडर बेचता है तो इसका सबूत कहाँ पर है, किसी के पास भी इसका सबूत नहीं है। पर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रेडी नहीं था, तो वकील एक आइडिया करता है कि पाब्लो के जगह पर एक दूसरे आदमी को इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, एंड पाब्लो को एज ए सपोर्ट रखा जाएगा। इससे पार्टी में पाब्लो भी रहेगा, एंड पार्टी को पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा। ये प्रपोजल मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मान लेता है, और गाइस ये भी पाब्लो की ही चाल थी। वकील एक ऐसे आदमी को इलेक्शन में खड़ा करता है जो लास्ट मोमेंट पर इलेक्शन से हट जाएगा, जिसके चलते मजबूरन पार्टी को पाब्लो को ही इलेक्शन में खड़ा करना पड़ेगा, और इससे पाब्लो ही प्रेसिडेंट बनेगा। और गाइज एक और बात मैं आपको बताना तो भूल ही गया, असल में एपिसोड 3 के शुरुआत में हम एजेंट स्टीव मर्फी को भी देख पाते हैं, जिसके घर पर पाब्लो के आदमियों ने जाके उसके बिल्ली को फांसी देके मार दिया था। एंड ये एक वार्निंग थी पाब्लो की एजेंट मर्फी को कि अगर उसके बिजनेस में टांग अड़ाई तो तुम्हारी बीवी के साथ भी वो यही करेगा। अब गाइज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाब्लो चाहे तो एजेंट मर्फी को भी मार सकता है, तो पाब्लो ने उसकी वाइफ को मारने की धमकी क्यों दी? तो यही बात एजेंट स्टीव भी एजेंट पेनिया को पूछता है, तो एजेंट पेनिया बोलता है कि तुम एक DEA एजेंट हो और तुम्हें कोई भी ड्रग डीलर हाथ लगाने की सोच भी नहीं सकता, बिकॉज पास्ट में मेक्सिको में एक DEA एजेंट हुआ करता था जिसका नाम था कीकी, और कीकी को मेक्सिकन डीलर्स ने मार दिया था, और वो भी बड़े बेरहमी से, उसके दिमाग में ड्रिल घुसा के उसके पूरे शरीर में जगह जगह पे बॉटल्स फोड़ के। पर उन मेक्सिकन डीलर्स को ये नहीं पता था कि अमेरिकन सरकार अपने हर एक ऑफिसर एंड DEA एजेंट को टॉप प्रायोरिटी देती है, और जैसे ही DEA एजेंट कीकी को मेक्सिकन डीलर्स ने मारा, अमेरिकन सोल्जर्स मेक्सिको में घुसे और उन सोल्जर्स ने हर एक डीलर एंड उसके गैंग मेंबर को उनके घर में घुसकर मारा, और मेक्सिकन कार्टेल को सिर्फ एक या दो दिन में ही अमेरिकन्स ने खत्म कर दिया था, जिस साम्राज्य को बनाने के लिए उन्हें काफी टाइम लगा था। तो एजेंट पेनिया बोलता है कि पाब्लो सिर्फ एक चीज से डरता है, और वो है अमेरिकन गवर्नमेंट, और इसीलिए वो DEA एजेंट मर्फी को नहीं मार सकता। और एजेंट पेनिया आगे ये भी बोलता है कि ये बिल्ली का हाल जिसने भी किया है उस आदमी को ये लोग मार देंगे। देन इसके बाद हम एजेंट मर्फी एंड उसके वाइफ को देखते हैं, जिनमें बहस हो रही थी, एंड एजेंट स्टीव मर्फी की वाइफ उसे वापस चलने को बोल रही थी, और वो चाहती थी कि स्टीव एंड वो खुद भी अमेरिका में आराम से रहे एंड पाब्लो के फंदे में ना पड़े, पर एजेंट मर्फी इसकी बात नहीं सुनता। बहस के बाद हम स्टीव के वाइफ कॉनी को देख पाते हैं, जो एक चर्च में जाती थी जहाँ गरीब लोगों को फ्री में एड किया जाता था, उन्हें खाना खिलाया जाता था। इस चर्च का हेड एंड उसके अंडर काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम एलिसा था, ये दोनों भी कम्युनिस्ट ग्रुप M19 के सर्वाइवर्स थे, जिन्हें पाब्लो ने मार दिया था, और वो अब चर्च में छुपे हुए थे। और कोइंसिडेंटली स्टीव की वाइफ कॉनी भी इसी चर्च में एक नर्स होने के कारण यहीं पर वो काम करती थी, और इसका फायदा आगे स्टीव एंड एजेंट पेनिया को काफी होने वाला है। खैर देन हम एजेंट स्टीव एंड पेनिया को देखते हैं, जो लोग एयरपोर्ट पर काम करने वाले उन दो लोगों को उठा लेते हैं जिन्होंने एजेंट स्टीव को एयरपोर्ट पर रोका था, एंड एजेंट स्टीव के पासपोर्ट की कॉपी इन दोनों ने पाब्लो के आदमी को भेज दी थी। तो स्टीव एंड पेनिया इन दोनों को मार के इनसे ये उगलवा लेते हैं कि उन्होंने स्टीव के पासपोर्ट की कॉपी पाब्लो के किस आदमी को भेजी थी। तो ये दोनों लोग अपना मुंह खोलते हैं और नाम सामने आता है पाब्लो के खास आदमी का, जिसका नाम था पॉइजन। गाइज पाब्लो के दो खास आदमी थे, जिनका नाम था पॉइजन एंड दूसरा था ब्लैकी। और भी कुछ लोग थे जिनके बारे में हमें आगे पता चल ही जाएगा,
पॉइजन का पता लगते ही ये लोग उसका फोन टैप करके ये पता लगाते हैं कि वो अगले दिन दोपहर में भुगोटा जा रहा है, वो भी अपने दो आदमियों के साथ। और गाइस मैं आपको बता दूं कि उस समय सैटेलाइट फोन होते थे, तो एजेंट स्टीव एंड पेनिया को ये इन्फॉर्मेशन काफी मुश्किल से मिली कि पाब्लो का आदमी पॉइजन किस रूट से कहां पर जाने वाला है, और उन्हें ये कॉल टैप करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ये सब करके वो लोग एम्बेसेडर से परमिशन लेते हैं एंड एम्बेसेडर भी इनको परमिशन देती है, और साथ में ऑफिसर कॉरिलो को भी बुलाया जाता है ताकि ये लोग भुगोटा जा रहे पॉइजन एंड उसके दो पार्टनर्स को पकड़ सके। इसीलिए ये लोग एक जगह पर चेक पोस्ट रखते हैं एंड उनके आदमी को एक जगह पर छुपा के रखते हैं जो दूर से ही पॉइजन को आते ही स्पॉट कर लेगा एंड तुरंत वॉकी टॉकी से इन्हें खबर कर देगा और ये लोग उसे रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। असल में पॉइजन पाब्लो के कहने पर ही $3 million लेके बोगोटा में एक पॉलिटिशियन से मिलने जा रहा था ताकि वो उस पॉलिटिशियन को खरीद पाए। पर इस पुलिस ऑपरेशन में एक गड़बड़ हो जाती है। पुलिस ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर जो पाब्लो के लिए ही काम करता था, वो उसे जानकारी दे देता है कि पॉइजन को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया गया है। तो पाब्लो सतर्क के सैटेलाइट फोन से पॉइजन को वापस बुला लेता है, जिसके चलते एजेंट स्टीव एंड पेनिया एंड ऑफिसर कॉरिलो का जो प्लान था उसे पकड़ने का वो फेल हो जाता है। ऐसे ही पाब्लो हमेशा बचता रहता था और बिजनेस करता रहता था। अगले दिन वो एक और कैंपेन करता है इलेक्शन के लिए, और वो इस कैंपेन में जायरो ऑर्टेगा नाम के एक बंदे को एज ए उम्मीदवार खड़ा करता है जो उसके जगह पर प्रेसिडेंट बनने वाला था और लास्ट मोमेंट पर पाब्लो के लिए इलेक्शन से उतरने भी वाला था। और पब्लिक पाब्लो को चीयर भी कर रही थी और इस कैंपेन में काफी भीड़ भी आ चुकी थी, और इसे देख के पाब्लो की वाइफ टाटा को काफी खुशी होती है। गाइस वो कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। धीरे धीरे पाब्लो के पार्टनर्स उसके खिलाफ जाने की साजिश करने लगते हैं, यानी कि ओचोहा ब्रदर्स एंड गाचा। और उन्हें लग रहा था कि पाब्लो पॉलिटिशियन बन के इस धंधे में खुद को तो सिक्योर कर लेगा, पर इन्हें फंसा देगा। अपने ही पार्टनर्स अपने खिलाफ जा रहे हैं इस बात से बेखबर पाब्लो पब्लिकली खुलेआम घूम रहा था, रैलीस कर रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था और पब्लिक सपोर्ट ले रहा था। पाब्लो का कजिन गुस्तावो उसे ये बोलता है कि हम लोग डीलर्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, तुम्हें प्रेसिडेंट का भूत अपने सर से उतार दो। पर पाब्लो बात नहीं मानता, इसलिए उसका भाई गुस्तावो जो है वो पाब्लो का बिजनेस संभालने से मना कर देता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब पाब्लो एक नए बंदे को गुस्तावो की जगह पर रखता है जिसका नाम था कार्लोस लेदर। और जब ये कार्लोस लेदर गुस्तावो की जगह पर आता है, पाब्लो का बिजनेस 12% से बढ़ जाता है, जिसके चलते पाब्लो और खुश था। सब कुछ सही जा ही रहा था कि कुछ कोलंबियन लोग एंड अमेरिकन डीई एजेंट्स यानी कि पेनिया एंड स्टीव ये डिसाइड करते हैं कि पाब्लो को प्रेसिडेंट बनने नहीं देना है, वरना वो खुलेआम पाउडर रास्ते पर बेचने लगेगा। और सभी पुलिस फोर्स एंड डीई एजेंट्स जुड़ जाते हैं पाब्लो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, जिसके चलते ये पब्लिकली एंड पॉलिटिकली प्रूव कर पाए कि पाब्लो एक ड्रग डीलर है। और अगर ये बात प्रूव हो गई तो पाब्लो को प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया जाएगा। और पुलिस वालों को ये सबूत मिल भी जाता है। गाइज आपको वो तस्वीर याद है जो एक पुलिस स्टेशन में पाब्लो की ली गई थी एंड उसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी कि पाब्लो ड्रग बेचता है और उस पे पाब्लो की साइन भी थी। और मैंने आपको कहा भी था कि इस तस्वीर के बारे में याद रखना, ये तस्वीर पाब्लो को आगे दिक्कत देगी। तो ये एजेंट्स उस तस्वीर को ढूंढ निकालते हैं जो पाब्लो के खिलाफ पक्का सबूत था एंड एम्बेसेडर को ये सबूत दिए जाते हैं। और एम्बेसेडर जो है ये सबूत कोलंबियन के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को देती है, और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस इस सबूत को पूरे असेंबली में सबके सामने एंड मीडिया के सामने पेश करता है, जिसके चलते पूरे आम पब्लिक के सामने पाब्लो की इमेज पूरी तरीके से खराब हो गई थी। पाब्लो को मुंह पर बेइज्जत किया जाता है एंड उसे असेंबली से भी निकाल दिया जाता है। गाइस पाब्लो प्रेसिडेंट बनने के इतने करीब था पर वो बन नहीं पाया, ये बात उसके दिल पर लग जाती है, जिसके चलते वो अब एक टेररिस्ट बनने वाला था। एंड पाब्लो उसी रात को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को अपने आदमियों के द्वारा मरवा देता है एंड एजेंट स्टीव पेनिया एंड बाकी कोलंबियन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में एजेंट स्टीव मर्फी काफी दुखी था, बिकॉज एक तरीके से उसे ये लग रहा था कि उसने लाए सबूत के चलते ही मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मारा गया। बाकी लोग पार्टी मना रहे थे बिकॉज पाब्लो प्रेसिडेंट नहीं बना, और अब उसके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर एंड सपोर्ट भी नहीं था। पब्लिक को भी पता चल गया था कि पाब्लो दूध का धुला हुआ नहीं है, और गवर्नमेंट ने पाब्लो को अरेस्ट करने का वारंट भी इश्यू कर दिया था, और वो भी ऐसा वैसा अरेस्ट नहीं, वो था एक्स्ट्राडिक्शन। और इसका मतलब था कि पाब्लो को कोलंबिया से यूएस के एक सड़े से जेल में पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी।
और यही चीज थी जिससे पाब्लो सबसे ज्यादा डरता था। बिकॉज अगर उसे नॉर्मल कोलंबियन जेल में डाला जाता तो एटलीस्ट उसे दुनिया के सारे सुख सुविधाएं वहां मिल सकते थे, बिकॉज वो कोलंबिया में पावरफुल था, पर अमेरिका में उसकी ये चलने वाली नहीं थी। देन हम एजेंट स्टीव पेनिया एंड ऑफिसर कारिलो को भी देख पाते हैं, जो पाब्लो को लेके बहस कर रहे थे, बिकॉज भले ही उसके खिलाफ एक्सट्रेडिशन वारंट निकला था पर फिर भी उसे पकड़ना अभी काफी मुश्किल था। अल्सो इस एक्सट्रेडिशन के कारण पाब्लो के लिए एक बात अच्छी हो गई थी कि उसके जो पार्टनर्स उसके खिलाफ जाने वाले थे वो भी उसकी तरफ आगे ना गए थे। वो क्यों? बिकॉज ये एक्सट्रेडिक्शन सारे नार्कोस के खिलाफ निकला था और उन्हें मिलके ही इस बात पर सॉल्यूशन निकालना था। अल्सो पाब्लो का बैकबोन गुस्ता वो भी वापिस आ चुका था। पाब्लो प्रेसिडेंट नहीं बना था पर लुइस गालन नाम का एक आदमी था जो प्रेसिडेंट बनने वाला था और उसने खुलेआम पाब्लो को पकड़ने की बात की थी और वो एक्सट्रेडिशन के भी काफी सपोर्ट में था। पाब्लो ने पहले डायरेक्ट लुइस गालन को खत लिखा और कहा कि वो अमेरिकन्स की बात ना सुने और अपने देश की बात अपने ही देश में सुलझाए। जब बात नहीं बनी उसने कोलंबियन कोर्ट के जजेस को खत लिखा और अपनी बात मनवानी चाहिए, और जब जजेस ने बात नहीं सुनी तो पाब्लो ने उन्हें मरवा दिया और पाब्लो अब गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और तलवार निकाल लेता है। पाब्लो को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ $1,00,000 साइन किए थे और एजेंट स्टीव के हिसाब से पाब्लो उतने पैसों को सिर्फ अपने जूतों पर खर्च करता था, तो एजेंट पेनिया अपने मिले पैसों को कोलंबियन जनरल आर्मिलो को देता है ताकि वो अपनी पावर से पाब्लो को पकड़ने में हेल्प करे। वो कैसे? तो असल में जनरल आर्मिलो के हाथ में था कि वो पाब्लो के खिलाफ किस कर्नल को भेजे, एंड एजेंट पेनिया एंड स्टीव चाहते थे कि जनरल आर्मिलो कर्नल कॉरिलो को चुने, बिकॉज कर्नल कॉरिलो भी पाब्लो को मारना चाहता था। पर फिर भी इनका जैकपॉट तब लगता है जब XM-19 की सर्वाइवर एलिसा एजेंट पेनिया एंड स्टीव से आके मिलती है। आपको याद ही होगा कि एलिसा का बॉस यानी कि M-19 का हेड पाब्लो के लिए काम करने लगा था, तो उस तक पहुंचने में इन्हें काफी आसानी हो सकती थी एलिसा के जरिए। पर फिर भी पाब्लो के पास अब भी 800 से ज्यादा घर एंड फार्म हाउसेस थे और उसके हर घर के बाहर सैकड़ों हथियारबंद लोग थे जो उसके लिए मरने को भी तैयार थे, और कोलंबियन पुलिस के काफी लोग उससे मिले हुए थे, तो उसे खतरे की जानकारी पहले ही मिल जाती थी और जैसे ही उसके घर पर रेड होने वाली होती थी वो उस घर को छोड़कर भाग जाता था। यहाँ कर्नल कॉरिलो एजेंट पेनिया एंड स्टीव ने एक आदमी को पकड़ लिया था जो पाब्लो के लिए काम कर रहा था और उसे मार पीट के उससे जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और इन्हें पाब्लो के हाइडआउट का पता चल गया था, तो पुलिस फोर्स निकल पड़ती है उसे पकड़ने के लिए। पर अगेन पाब्लो को खबर मिल गई थी और उसे पता था कि यहाँ तक आने के लिए पुलिस को 2 घंटे लगेंगे, तो वो तब तक हेलीकॉप्टर में अपने फैमिली के साथ निकल जाता है एंड उसके आदमी भी सारे इम्पोर्टेंट चीजें लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसका जो कजिन गुस्तावो था वो सारे कच्चे चिट्टों को जो पाब्लो के खिलाफ जा सकते थे उन्हें जला देता है। और जब कर्नल कॉरिलो एंड एजेंट्स के साथ पुलिस फोर्स यहाँ पर आती है इनके हाथ ज्यादा चीजें नहीं लगती, पर जो लगती है वो काफी थी, बिकॉज गुस्तावो ने निकलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पेपर जलाए थे। उनमें से एक पेपर पूरा जला नहीं था और उस पेपर पर एक एड्रेस था जो किसी मामूली ठिकाने का नहीं था, वो था पाब्लो के मनी हाउस का, जिसमें पुलिस वाले पाब्लो के अकाउंटेंट ब्लैक बियर्ड को पकड़ लेते हैं। और सिर्फ ब्लैक बियर्ड को ही ये पता था कि पाब्लो के पैसे कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं। वो इतना जानता था जितना पाब्लो खुद भी नहीं जानता हो। ब्लैक बियर्ड पुलिस को बोलता है कि पाब्लो की एक दिन की कमाई $60 मिलियन थी और उस मनी हाउस में पाब्लो के खिलाफ काफी सबूत भी मिले थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में रखवा दिया जाता है जहाँ वो सेफ थे। इन्हीं सबूतों में एजेंट पेनिया एंड स्टीव को एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम था बैरिस सील, और ये बंदा अब पाब्लो के लिए प्लेन से 500 टन पाउडर कोलंबिया से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था। ये लोग बैरिस सील को पकड़ लेते हैं और बैरिस सील एजेंट्स को एक ऐसी फोटो देता है जिसमें पाब्लो कम्युनिस्ट देशों में रुक के एक ट्रक में पाउडर भर रहा था, और ये फोटो बहुत काम की थी बिकॉज यही कम्युनिस्ट लोग पाउडर को अमेरिका में पहुंचा रहे थे। एजेंट्स को ये पता लगते ही ये खबर एम्बेसेडर तक पहुंचाई जाती है और अमेरिकन्स को ये पता चल जाता है कि पाब्लो एस्कोबार कम्युनिस्ट लोगों में शामिल है जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। और ये काफी पुरानी फोटो थी जिससे साबित हो गया था कि पुराने टाइम से ही पाब्लो कम्युनिस्ट लोगों से मिला हुआ है और लोगों की हेल्प करने का वो ढोंग कर रहा था। ये खबर जब पाब्लो तक गई कि बैरिस सील ने मुंह खोल दिया है तो वो बैरिस सील को भी मरवा देता है। और ये होते ही अमेरिका पाब्लो के खिलाफ आर्मी प्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ प्रोवाइड करती है एंड पाब्लो के मेडिलिन किंगडम में जगह जगह पर रेड्स की जाती है
एंड पाब्लो के कई सारे लोग मार दिए जाते हैं, और ये सब कुछ ब्लैक बियर्ड के इन्फॉर्मेशन से हो रहा था। उसके बताए गए लोकेशंस परफेक्ट थे, जहाँ पाब्लो की लैब्स थी, उसके पैसे थे, और सब कुछ पाब्लो के हाथ से निकलता जा रहा था। पाब्लो को मिलियंस में रोज जो फायदा होता था, उससे ज्यादा लॉस होने लगा। मेडेलिन किंगडम का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, और पुलिस के हाथ पाब्लो के साथ काम करने वाली एक बड़ी मछली लगती है, कार्लोस लेदर। एंड कार्लोस लेदर को US एक्सट्रैडिशन में भेज दिया जाता है 135 साल की सजा सुना के। और गाइस, आपको याद होगा कि कार्लोस लेदर वो पहला आदमी था जो अपने प्लेन से पाब्लो के लिए पाउडर पहुंचाता था, वो भी दूसरे देशों में, और वो उसके खास आदमियों में से एक था। पाब्लो के साम्राज्य को इस हाल में देख के प्रेसिडेंट बनने वाला लुइस गालन काफी खुश था। पाब्लो अब काफी टेंशन में था, और उसे ये खेल रोकना था, और इसे रोकने का एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत का कमरा था उसे गायब करना, वरना पाब्लो के सारे काले काम पब्लिक के सामने आ सकते थे। और ये सारे काले काम लुइस गालन पब्लिक के सामने लाने वाला था, वो भी इलेक्शन जीतने के लिए। इसीलिए पाब्लो M19 कम्युनिस्ट ग्रुप के हेड से आके मिलता है, एंड उससे सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करने बोलता है, ताकि उसके खिलाफ सबूत ना मिले और M19 का हेड सारे कमरे को जला दे जिसमें पाब्लो के खिलाफ सबूत भरे हुए हैं। ये खबर कम्युनिस्ट की दूसरी सर्वाइवर को भी, यानी कि एलिसा को भी लग जाती है, जो चर्च में एज ए नर्स काम करती थी। और गाइज, आपको पता ही होगा कि एजेंट स्टीव की वाइफ कोनी भी उसी चर्च में काम करती थी, और वो तुरंत एजेंट स्टीव एंड पेनिया को इसकी जानकारी देती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाब्लो के कहने पर M19 के हेड एंड बाकी बचे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आतंक फैला के उस कमरे को जला दिया था जिसमें पाब्लो के खिलाफ सबूत भरे थे। एलिसा यहाँ पर रेडी थी कोर्ट में गवाह देने के लिए कि पाब्लो एंड M19 के हेड मिले हुए हैं, और उन्होंने ही कोर्ट में हमला किया है, और इसीलिए एलिसा को एजेंट पेनिया अपने घर पर छुपा के रखता है उसके सेफ्टी के लिए। यहाँ पर पाब्लो अपने रंग दिखाता है, उसने M19 ग्रुप के हेड से अपना काम तो करवा लिया था, एंड उसके खिलाफ के सबूत भी मिट चुके थे। तो काम होते ही वो खुद अपने खास आदमियों के साथ जाके M19 के हेड को मार देता है। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 4 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एजेंट्स को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि M19 में काम करने वाली एलिसा के खिलाफ भी वारंट निकला था, बिकॉज गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि कोर्ट पर हमला M19 के हेड ने किया है या फिर एक्स M19 की मेंबर एलिसा ने। और इस वारंट के चलते एजेंट पेनिया एंड स्टीव खतरे में थे कि उन्होंने एक आरोपी को अपने घर पर छुपा के रखा है, और अगर वो उसे निकालते तो पाब्लो के आदमी उसे चुटकी में मार देते। तो फिलहाल मामला शांत होने तक इन्हें एलिसा को अपने घर पर ही छुपा कर रखना था। यहाँ पर हम पाब्लो, उसकी फैमिली को एंड उसके पार्टनर्स को देख पाते हैं, जो दूसरे देश में जाके छुपे हुए थे, पर सभी काफी टाइम से यहीं पर रुकने के चलते तंग आ चुके थे, और उन्हें अपने देश कोलंबिया में वापस जाना था। गाचा का तो कहना था कि वो सीधा कोलंबिया जाए और फाइट करे, पर गुस्तावो का मानना था कि पाब्लो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करे, और पाब्लो भी गुस्तावो से सहमत था, पर गवर्नमेंट पाब्लो के वकील की बात सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही एक शाम पाब्लो की वाइफ उसे रिक्वेस्ट करती है वापस कोलंबिया जाने के लिए, एंड पाब्लो एक मस्त प्लान करके कोलंबिया में आ जाता है, और अगेन अपने हाइडआउट्स में जाके छुप जाता है। अल्सो एक रात को वो अपने आदमियों की मदद से इलेक्शन में खड़े लुइस गेलन को, यानी कि होने वाले प्रेसिडेंट को, गोलियों से छन्नी करके मार देता है। इतने हाई प्रोफाइल आदमी को मारने के चलते बचे कुचे पाब्लो के सपोर्टर्स भी उसके खिलाफ हो चुके थे। अब न्यू प्रेसिडेंट बनने की जिम्मेदारी दी जाती है लुइस गेलन के खास आदमी केसर गवेरिया को। एंड गाइस, यही वो प्रेसिडेंट था जिसके राज में पाब्लो का अंत हुआ। पाब्लो ने बड़ा गेम तो खेला था, लुइस गेलन को मार के उसने अपने आप को एंड पूरे नार्कोस गैंग को सेव किया था, बिकॉज गवेरिया के काम करने का तरीका अलग था, एंड वो पाब्लो के साथ नेगोशिएट करने के लिए भी रेडी होने के चांसेस थे। यहाँ पर हम कोरिलो एंड एजेंट पेनिया को देखते हैं, जो पाब्लो को लेके अगेन टेंशन में थे, बिकॉज वो वापिस आ चुका था। एंड कोरिलो बोलता है कि उसे शक है कि उसी के कुछ आदमी है जो पाब्लो से मिले हुए है, तो आगे से पाब्लो के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी वो खुफिया तरीके से की जाएगी। देन हम पाब्लो के कजिन गुस्तावो को देख पाते हैं, जिसका चक्कर ओचोआ ब्रदर्स की बहन से चल रहा था, और ये खबर ओचोआ ब्रदर्स को लग चुकी थी, पर फिलहाल वो शांत थे। यहाँ पर पाब्लो का वकील डोडू के नेक्स्ट होने वाले प्रेसिडेंट गवेरिया एंड उसके राइट हैंड से बात करने जाता है एंड नेगोशिएशन की मांग करता है, जिसके चलते पीस कायम होने वाला था, पर गवेरिया इन्हें वहां से निकाल देता है, बिकॉज फिलहाल तो वो इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। पर जाते समय वकील एक लेटर गवेरिया को देता है जो पाब्लो ने लिखा था, और उसमें यही लिखा था
कि नार्कोस को अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो पाब्लो शांत रहेगा, वरना वो पूरी तरीके से जंग का ऐलान कर देगा। तो तुम्हारी नेगोशिएशन में ही भलाई है, ऐसा पाब्लो ने लिखा था। यहाँ कारिलो लगातार पाब्लो के फोन्स को टैप करता था और उसे ये बात पता चल गई थी कि पाब्लो हमेशा अपने आदमियों से कोड वर्ड में बात करता है, जैसे वो पॉलिटिशियन या फिर जजेस को भेड़ बकरे बुलाता था जो लोग एक्सट्रेडिशन को सपोर्ट करते थे, एंड उन्हें मारने के लिए वो अपने आदमियों को गोल करने को कहता था। और अगले ही दिन न्यूज में खबर छपी मिलती थी कि कुछ जजेस और कुछ पॉलिटिशियंस मारे पाए गए। कारिलो इतना गुस्सा था कि वो अपने सीनियर्स को धमकी देता है कि वो रिजाइन कर देगा और पाब्लो के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा अगर उसे एक न्यू सर्च ब्लॉक टीम नहीं मिली तो। और उसी के चलते एक न्यू सर्च ब्लॉक टीम बनाई जाती है जो इंस्टेंटली एक इशारे पर सामने वाले को मार देगी। अल्सो पाब्लो के आदमी लकीका एंड पॉइजन भी अपने गैंग में यंग बच्चों को शामिल कर रहे थे और उन्हें भी गन्स दी जा रही थी। पाब्लो खुद उन्हें हथियार बांटता था। एजेंट पेनिया ने भी पाब्लो के पार्टनर गाचा के खास आदमी नेविगेंटे को अपनी तरफ मोड़ लिया था ताकि वो उसे इन्फॉर्मेशन निकाले। और वो एक खबर देता है कि आज रात गाचा कार्टेनिया नाम के शहर में जा रहा है और वो उसे पकड़ने में उसकी मदद भी करेगा। तो एजेंट स्टीव एंड पेनिया एम्बेसडर की परमिशन मांगते हैं कि वो गाचा को पकड़े या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली एम्बेसडर परमिशन नहीं दे पाती बिकॉज उसी रात को प्रेसिडेंट गवेरिया एक स्पीच देने वाला था और वहाँ एजेंट स्टीव का होना जरूरी था। तो वो बस पेनिया को हालत पर नजर रखने के लिए गाचा के पीछे लगाती है। देन एजेंट पेनिया को ये भी पता चल जाता है कि पुलिस वाले एलिसा को ढूंढने के लिए उस चर्च के फादर को उठा रहे हैं और वो फादर कभी भी अपना मुंह खोल सकता है कि एलिसा कहाँ पर है। इसलिए एजेंट स्टीव एक फेक आईडी बना के एलिसा को उसकी वाइफ कोनी के साथ शहर से दूर भेज देता है ताकि पुलिस के कारण दोनों एजेंट्स की नौकरी ना चली जाए। और ये लोग सक्सेसफुली XM19 मेंबर एलिसा को शहर से बाहर भेज देते हैं। यहाँ पर गवेरिया एंड उसकी वाइफ पर भी पाब्लो की आदमी जानलेवा हमला करते हैं जिनमें वो बाल बाल बच जाता है। और इसी हादसे के बाद से गवेरिया काफी गुस्से में था और वो टोटली पाब्लो को एक्सट्रेडिशन में डालने का डिसाइड करता है। और ये सब कुछ वो लाइव कैमरा बोलता है एंड पाब्लो ये सब कुछ टीवी पर देख रहा था जिससे वो अब टेंशन में आ चुका था। और गरीबी में आटा गिला ये कि कारिलो पाब्लो को फोन करके ओपन धमकी देता है उसे मारने की और पाब्लो भी वॉर के लिए रेडी था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम पाब्लो के खास आदमी पॉइजन को देखते हैं जो एक चेक पोस्ट पर जाके रुकता है एंड दो पुलिस वालों को मार देता है। एंड गाइज यू नो व्हाट, पाब्लो ने अपने आदमियों को खुली छूट दी थी पुलिस वालों को मारने के लिए और उसने हर एक पुलिस वाले पर $1 million का इनाम रखा था। यहाँ हम एजेंट स्टीव मर्फी को देखते हैं जिसने अपने वाइफ के साथ M19 की मेंबर एलिसा को दूसरे शहर भेज दिया था और वो लोग सुरक्षित पहुंच भी गए थे। इसका मैसेज उसे मिल भी जाता है। देन एजेंट स्टीव प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी कि गवेरिया से मिलने जाता है और बोलता है कि उसके सेफ्टी के लिए US ने भी काफी सुविधाएं प्रोवाइड की है, सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड पैंट्स, एक लिमोजिन कार जो कोई बम से भी उड़ाना चाहे तो भी ना उड़ पाए, इतनी पावरफुल, और भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी अमेरिका ने गवेरिया को प्रोवाइड की थी। तो गवेरिया थोड़ा सा टेंशन में था कि अगर वो इतने सिक्योरिटी में घूमता रहा तो पब्लिकली कैंपेन वो कैसे कर पाएगा। देन हम एजेंट पेनिया एंड कारिलो को देखते हैं जिन्हें पाब्लो के पार्टनर यानी कि गाचा को पकड़ने की या तो मारने की परमिशन मिल गई थी। एंड गाचा का खास आदमी नाविदांते गाचा की खबर एजेंट पेनिया तक पहुंचा रहा था। गाचा अपने बेटे के साथ शहर के बाहर एक बंगलो में फुल सिक्योरिटी के साथ था। अलसो दूसरी तरफ एजेंट स्टीव के हाथ भी पाब्लो के कुछ आदमियों की फोटो हाथ लगी थी जिनमें से वो लगभग सभी लोगों को जानता था पर एक आदमी को नहीं जो नया लग रहा था। तो एजेंट स्टीव एम्बेसडर एंड CIA के मेंबर से ये पता लगवाता है कि ये कौन है। तो ये असल में स्पेनर्ड नाम का एक बंदा था जो पाब्लो के लिए बम बना रहा था, यानी पाब्लो कुछ बड़ा करने वाला है इसके संकेत मिल रहे थे। हम यहाँ गुस्तावो एंड पाब्लो को स्पेनर्ड से मिलता हुआ देखते हैं जो बम बनाने के बदले 5,000 किलो पाउडर पाब्लो से मांगता है एंड पाब्लो इसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। अल्सो पाब्लो ने एक यंग लड़का भी हायर किया था जो उस बने हुए बम को कहीं पर ले जाने वाला था, यानी एजेंट पेनिया एंड एजेंट स्टीव दोनों पर काफी बड़ी जिम्मेदारियां थी। एजेंट पेनिया एंड कर्नल कारिलो को तो गाचा को मारना था एंड एजेंट स्टीव को होने वाले प्रेसिडेंट गवेरिया की अब काफी चिंता होने लगी थी बिकॉज पाब्लो कुछ बड़ा करने जा रहा था। यहाँ शहर के बाहर गाचा को खबर लग गई थी कि पुलिस उसके पीछे आ रही है तो वो अपने बंगलों से भाग जाता है एंड पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। बट अगेन गाचा का आदमी नाविदांते पुलिस को काफी इन्फॉर्मेशन देता है
बट अगेन गाचा के आदमी नाविदंते के ही इन्फॉर्मेशन के साथ पुलिस बड़े पैमाने पर गाचा के सेकंड हाइडआउट पर जाती है। एंड इस बार तो इनके पास एक हेलीकॉप्टर भी था। एंड एजेंट पेनिया एंड पुलिस वाले इस बार सबसे बड़े मछली को मारने में कामयाब हो जाते हैं। यानी पाब्लो का पार्टनर गाचा, यानी पुलिस को यहाँ पर सक्सेस मिली थी और गाचा मारा गया था उसके बेटे के साथ। दूसरी तरफ एजेंट स्टीव को भी लग रहा था कि गवेरिया जिस प्लेन से ट्रेवल करने वाला है पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, उसी में पाब्लो अपने न्यू हायर किए हुए लड़के को भेजने वाला है, वो भी एक बम के साथ, ताकि प्लेन फटते ही गवेरिया के साथ साथ कई सारे मासूम लोग भी मारे जाए और पाब्लो का दबदबा बना रहे। तो एजेंट स्टीव प्रिकॉशंस के लिए गवेरिया को प्लेन में जाने से रोक लेता है। एंड सही में पाब्लो ने उस प्लेन में एक लड़के को भेजा था और प्लेन निकलते ही कुछ ही समय में हवा में ही प्लेन में स्पोर्ट होता है। एंड इसमें कई सारे मासूम लोग मारे जाते हैं, लगभग 107 लोग। और इसी के साथ साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। यानी कि पाब्लो ने यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बड़ी चाल की थी और अब आगे क्या होता है ये हम एपिसोड 7 में देख ही पाएंगे। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में पाब्लो के इस हरकत के कारण तो पूरा देश उसे मारना चाह रहा था। हम कर्नल कॉरिलो एंड दोनों एजेंट्स को उस लड़के के घर पर जाता हुआ देखते हैं जिसने प्लेन को पाब्लो के लिए उड़ा दिया था। उस लड़के की एक वाइफ थी एंड एक बच्ची भी। ये लोग इस लड़की को बोलते हैं कि पाब्लो के लिए अब तुम एक बोझ हो, बिकॉज तुम अपना मुंह भी खोल सकती हो, इसलिए पाब्लो तुम्हें मारना चाहेगा। तो तुम हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो, हम तुम्हें सिक्योर करेंगे एंड तुम्हारे बेबी के फ्यूचर को भी। पर ये लड़की मुंह नहीं खोलती और इन्हें जाने बोलती है, बिकॉज ये जो लड़की थी वो भी पाब्लो को काफी मानती थी, ठीक उसके पति की तरह। पाब्लो के इस हरकत के चलते पब्लिक को अब यकीन हो गया था कि गवेरिया ही सिर्फ पाब्लो को मार पाएगा, इसलिए उसे ही लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट देते हैं। एंड गवेरिया कोलंबिया का 28th प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने कर्नल कॉरिलो को एंड बाकी पुलिस फोर्सेस को पाब्लो को पकड़ने की खुली छूट दे दी थी, पर हर बार पाब्लो बचकर निकल जाता था। और जितनी भी बार वो बच निकलता था कहीं ना कहीं वो विस्फोट करवाता था या फिर वो लोगों को तो मरवा ही देता था ताकि उसका दबाव बना रहे। अब गवर्नमेंट के साथ चल रहे इस इशू के कारण पाब्लो की गैंग मेडेलिन कार्टेल के जो राइवल्स थे, यानी कि उनके जो प्रतिस्पर्धी थे, उनका नाम था काली कार्टेल। ये लोग काफी तेजी से अपना बिजनेस ग्रो करने लगे थे और इस काली कार्टेल में असल में 4 पार्टनर्स थे और उनमें से हमें अभी एक पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस पार्टनर का नाम था पाचो। बाकी काली कार्टेल्स के जो मेंबर्स है उनके बारे में हम सीजन 3 में डिटेल में जान पाएंगे। पाब्लो इतना ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझने लगा था कि वो काली कार्टेल गैंग के एक पार्टनर पाचो को उसी के विला में जाके धमकी देके चला जाता है। यहाँ पर एजेंट्स के पास पाब्लो के आदमियों की सारी जानकारी थी, पॉइजन, लाकी का, ब्लैकी, श्योर शॉट और 2 लोग उसने अपने गैंग में न्यू शामिल किए थे जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थे और इनका नाम था फर्नांडो गैलेनो एंड किको मोनकाडा। तो अगर पाब्लो तक पहुंचना है तो इन लोगों को गिराना जरूरी था। तो एजेंट्स पाब्लो की सिटी में प्लेन से उन एरियाज के फोटोज लेते हैं जहां पर पाब्लो के खास आदमी जाते रहते थे और बाद में इन्हें एक और बात पता चलती है और वो बात थी महंगी कार। पाब्लो के खास आदमी $40,000 की कार चलाते थे और बाकी उनके शहर में इतनी महंगी कार्स किसी के पास भी नहीं थी। तो इन कार्स के चलते सभी लोग आराम से टारगेट बन चुके थे और पुलिस को इन कार्स के चलते ही पता चल जा रहा था कि पाब्लो के आदमी कौन है। यहाँ पर पाब्लो पॉइजन को उस लड़की को मारने भेजता है जिसके यंग पति ने प्लेन में स्पोर्ट किया था और पॉइजन एंड उसके आदमी उस लड़की के घर पर जाते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं थी। वो पहले ही एक ऐसे जगह पर जा चुकी थी जहाँ पर वो सेफ रह सके। देन पाब्लो अपने वकील डोडुके को गवेरिया से नेगोशिएट करने के लिए भेजता है और गवेरिया को भी अब देश में शांति चाहिए थी तो वो भी नेगोशिएशन के लिए मानने का सोच रहा था। एंड इस नेगोशिएशन में पाब्लो की कुछ मांगे थी एंड गवर्नमेंट की भी। तो ये क्या मांगे होगी इसके बारे में तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। पाब्लो को पॉलिटिशियंस को भी अपनी तरफ मोड़ना था पर ये करना अब आसान नहीं था। तो पाब्लो ने एक्स प्रेसिडेंट की बेटी को उठाने का फैसला किया ताकि एक्स प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवेरिया पर दबाव बनाए एंड पाब्लो की जो शर्तें थी उन्हें मान ले। अलसो उसने और भी कई सारे पॉलिटिशियंस के बच्चों को भी उठा लिया ताकि सभी पॉलिटिशियंस गवेरिया पर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दबाव बनाए। और ये होता भी है। गवेरिया एंड पाब्लो का वकील नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। पाब्लो एक और न्यूज रिपोर्टर को भी उठा लेता है और ये जो रिपोर्टर थी उसके चैनल की TRP बहुत ज्यादा थी और इसीलिए वो पब्लिक पर भी सीधा इन्फ्लुएंस करने वाली थी। पाब्लो इस रिपोर्टर के बदले कुछ पॉलिटिशियन के बच्चों को भी सही सलामत छोड़ देता है। एंड ये रिपोर्टर ऑन कैमरा पाब्लो के दबाव में गवेरिया एंड पब्लिक को बोलती है
कि पाब्लो की सारी शर्तें मान ले और तभी पाब्लो बाकी होस्टेजेस को छोड़ देगा। यहाँ पर ऑर्गे ब्रदर्स को ये बात खटकने लगी थी कि उनकी बहन हर रोज घंटों तक पाब्लो के कजिन गुस्तावो से मिलने जाती है और उसके साथ सोती है। दूसरी तरफ एजेंट पेनिया एंड स्ट्यू को पॉइजन एंड उसके आदमी मिल जाते हैं, तो इनमें आपस में काफी क्रॉस फायर होता है और एजेंट्स इन दोनों को काफी चेस करते हैं, पर एट द एंड पॉइजन एंड उसके आदमी भागने में कामयाब हो जाते हैं। और तो और ये लोग उस लड़की को भी मारने में कामयाब हो जाते हैं जिसके पति ने प्लेन में स्पोर्ट किया था। तो उस लड़की की एक छोटी सी बच्ची थी जो अब अनाथ हो गई थी, तो बच्ची को एजेंट स्टीव अपने घर पर ले जाता है एंड उसकी वाइफ कॉनी और वो दोनों मिलके इस छोटी सी बच्ची को एडॉप्ट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द एपिसोड प्रेसिडेंट ने पाब्लो से ट्रूस कर ली थी एंड इनमें आपस में कुछ बातें तय हुई थी कि पाब्लो देश में हमले नहीं करेगा एंड बदले में पाब्लो को गवर्नमेंट से एक परमिशन चाहिए थी कि पाब्लो खुद की एक जेल बनाएगा और वो उसी की जेल में रहेगा। उस जेल के जो गार्ड रहेंगे वो उसी के आदमी रहेंगे और ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर एजेंट या फिर पुलिस वाले को पाब्लो की खुद की जेल से 6 किलोमीटर के दायरे में आने की परमिशन होगी। तो ये सारी शर्तें सुन के गविरिया वापस से सोच में पड़ चुका था कि अब आगे क्या किया जाए, और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब गाइज आने वाले 2-3 एपिसोड्स में भी काफी मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम पाब्लो को देखते हैं जो गुस्तावो के साथ मेडिलिन के पहाड़ियों में अपने खुद के लिए जेल के लिए जगह देखने आया था, तो उस पर पुलिस अटैक होता है। तो पाब्लो अपने आदमियों को लड़ने बोल के गुस्तावो के साथ जंगल में भाग आता है। वो बहुत गुस्से में था पर उसके हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं था। वो अपने आदमियों को जंगल में सैटेलाइट फोन के थ्रू बुला लेता है और पुलिस इस सिग्नल को टैप कर लेती है और पाब्लो को पकड़ने के लिए वो वहाँ पर जंगल में आती है। पर जब तक कर्नल कॉरिलो वहाँ पर पहुँच पाता तब तक देर हो चुकी थी। पाब्लो ने उस सैटेलाइट फोन को गधे पर टांग दिया था और वो वहाँ से भाग निकला था। अल्सो गाइज हमें एक और बात यहाँ पर ये पता चलती है कि पाब्लो जिस रिपोर्टर को उठा लाया था और उसके चैनल की TRP ज्यादा थी, असल में यही रिपोर्टर कोलंबियन एक्स प्रेसिडेंट की बेटी थी। और पाब्लो अपने बेस पर जाके उसे एक वीडियो बनवाता है कि वो 2 और केत पॉलिटिशियन के बच्चों को जाने दे रहा है एंड उसके बदले में पाब्लो चाहता है कि प्रेसिडेंट गवेरिया उसके खिलाफ अब कोई भी पुलिस फोर्स ना भेजे वरना वो बाकी बच्चे सभी कैदियों को मार देगा। ये सुन के एक्स प्रेसिडेंट डर जाता है और वो गवेरिया को निगोशिएट करने के लिए फोर्स करता है। गवेरिया रेडी नहीं था पर फिर भी अब काफी प्रेशर होने के कारण गवेरिया परेशान रहने लगा, पर उसने अभी तक से पुलिस को एंड एजेंट्स को पाब्लो के पीछे जाने से नहीं रोका था एंड वही होता है जिसका सबको डर था। कॉरिलो अपने पुलिस फोर्स के साथ पाब्लो ने जहाँ पर एक्स प्रेसिडेंट की बेटी को छुपा के रखा था वहाँ पर घुसता है। पाब्लो उस समय वहाँ नहीं था पर एक आदमी रिपोर्टर को कबर्ड में छुपा के रखता है एंड कबर्ड के सामने रह के पुलिस पर गोली चलाने लगता है। जब पुलिस बैकफायर करती है तो पुलिस की कुछ गोलियां कबर्ड पर भी लगती है जिसके चलते एक्स प्रेसिडेंट की बेटी गलती से मारी जाती है। और इस हादसे से गवेरिया बुरी तरीके से फंस चुका था एंड इसीलिए फाइनली वो एस्कोबार के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाता है और उसे सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उसे चाहिए, यानी कि उसका खुद का जेल। अब उसे जेल तो नहीं कहा जा सकता, वो एक तरीके से पाब्लो का कैसल था। पाब्लो काफी खुश होता है और सभी लोग इसकी खुशी भी मनाते हैं बिकॉज कोलंबिया ने एक्सट्रेडिशन देने की सजा भी पीछे ले ली थी, यानी आज के बाद से पाब्लो जब भी गिरफ्तार होगा वो कोलंबिया में ही रहेगा, ना किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरे देश के जेल में। बाहर कॉरिलो एंड एजेंट पेनिया एंड स्टीव के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा था बिकॉज यही वो 3 लोग थे जो पाब्लो को हर हाल में मारना चाहते थे, पर अब शांत रहने के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ पाब्लो ने अपने कैसल बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था जो नाम की एक जेल थी, और जब तक पाब्लो जेल में रहने वाला था वो अपने बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी मोनकोडा एंड गैलेनियो नाम के अपने आदमियों को देता है बिकॉज पाब्लो का कजिन गुस्तावो भी उसी के साथ प्रिजन में रहने वाला था। अल्सो पाब्लो ने एक मस्त ट्रिक भी खेली थी पैसे कमाने के लिए। वो अपने हर उस नार्को डीलर से $200,000 हर महीने लेने वाला था बिकॉज पाब्लो ने गवर्नमेंट से लड़के हर उस नार्को डीलर के गर्दन से एक्सट्रेडिशन जेल की तलवार हटाई थी, यानी दूसरे गैंग्स जैसे कैली कार्टेल तक को पाब्लो को पैसे पे करने थे इस फेवर के लिए। जब पाब्लो ये रूल बनाता है, अगली ही रात को पाब्लो जिस घर में अपने फैमिली के साथ रुका हुआ था वहाँ पर कोई कार में ब्लास्ट कर देता है जिससे पाब्लो के घर का कुछ हिस्सा भी गिर जाता है एंड उसकी छोटी बच्ची एक कान से बहरी हो जाती है। और फर्स्ट टाइम पाब्लो को एहसास हुआ था कि ये कोई अंदरूनी उसी का आदमी है जो दुश्मन से जाके मिला हुआ है या फिर ये उसी अंदरूनी आदमी का खुद का काम है,
और पाब्लो को शक था ओचोहा ब्रदर्स पर। यहाँ पर हम ओचोहा ब्रदर्स को देखते हैं जो कैली कार्टेल के पाचो से मिलते हैं, और ये लोग यहाँ पर उस टैक्स की बात कर रहे थे जो इन्हें पाब्लो को चुकाना था। अल्सो इनके मन में एक गुस्सा भी था कि पाब्लो का कजिन गुस्तावो उनकी बहन के साथ सोता है, और इनमें आपस में डिसाइड होता है कि ये लोग गुस्तावो को मार देंगे, बिकॉज अगर गुस्तावो मरा तो पाब्लो के बिजनेस एम्पायर की नींव जड़ से हिलेगी, बिकॉज गुस्तावो ही आज तक सब बिजनेस हैंडल कर रहा था एंड उसके बिना पाब्लो कुछ भी नहीं था। और ये तय करते ही ओचोहा ब्रदर्स अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं छोटे मोटे केस के सिलसिले में, एंड जेल में वो सेफ रहने लगते हैं ताकि पाब्लो इन्हें ना मार सके। और ये लोग गुस्तावो की इन्फॉर्मेशन कर्नल कॉरिलो को देंगे जो गुस्तावो को मार ही देगा। यानी ओचोहा ब्रदर्स ने पाब्लो से पार्टनरशिप तोड़ दी थी एंड अपनी बहन के पीछे आदमी लगा के वो एंड गुस्तावो कहाँ मिलते हैं ये पता करके इसकी जानकारी ओचोहा ब्रदर्स ने कर्नल कॉरिलो को दे दी थी। एंड अगले ही दिन कर्नल कॉरिलो ऑफ ड्यूटी अपने आदमियों के साथ गुस्तावो को उठा के एक बंद पड़े बंगले में ले जाता है। वो गुस्तावो से जानकारी निकालने का ट्राई करता है पर कोई भी फायदा नहीं था। गुस्तावो कभी भी मुंह नहीं खोलने वाला था, इसलिए कॉरिलो गुस्तावो को मार देता है एंड उसकी लाश को वो रास्ते के साइड में फेंक देता है। जैसे ही ये खबर पाब्लो को लगती है पूरी फैमिली शॉक में थी। पाब्लो को पता चलता है कि इस सब के पीछे कैली कार्टेल गैंग एंड ओचोहा ब्रदर्स है। पाब्लो एक एक करके कैली कार्टेल के काफी लोगों को मरवा देता है एंड जो वॉर पाब्लो की गवर्नमेंट से खत्म हुई थी वो अब दूसरे गैंग से स्टार्ट हो गई थी। इस क्रॉस फायर में कैली कार्टेल का पार्टनर पाचो बच जाता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। एट द एंड ऑफ द एपिसोड पाब्लो डिसाइड करता है कि वो अपना काम अपने कैसल से ही करेगा, तो वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता है एंड वाइस प्रेसिडेंट को वो सिग्नेचर देके एंड पेपर वर्क खत्म करके अपने जेल में शिफ्ट हो जाता है। एंड उसी रात को कर्नल कॉरिलो एंड पुलिस फोर्स मिलके पाब्लो के राइट हैंड पॉइजन को भी मार देते हैं एंड पाब्लो को अगेन एक और बड़ा झटका लगता है अपने आदमी को खो के। एंड इसी के साथ एपिसोड 8 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम सब कुछ शांत माहौल देख पाते हैं जहाँ पाब्लो अपने लिए एक ट्रक में बाहर के सामान लड़कियाँ एंड सारी सुख सुविधाएं मंगवा लेता है। अल्सो वो जेल में बैठ के अपने लाइफ पर एक बुक भी लिख रहा था एंड उस बुक के फ्रंट पेज पर उसने उसकी एंड गवेरिया की फोटो भी लगाई थी। पाब्लो जब से अपने जेल में था कोलंबियन देश शांत हो गया था, लोग घर से निकलने लगे थे, उन्हें कोई भी डर नहीं था कि कोई आएगा एंड रास्ते पर किसी को मार के चला जाएगा। इस जंग के बीच में सबसे ज्यादा कोई सफर हुआ था तो वो थी आम जनता। प्रेसिडेंट गवेरिया को सभी लोग अच्छा प्रेसिडेंट बोल रहे थे जिसने सही डिसीजन लिया। यहाँ शांति थी इसका मतलब ये नहीं कि नार्कोस के बीच कुछ नहीं होगा। यहाँ कैली कार्टेल में पाचो के 10 आदमी मारे गए थे एंड उसी टाइम पाचो से मिलने मोनकाडो एंड गैलियानो जो पाब्लो का बिजनेस संभाल रहे थे वो आते हैं, और ये पाब्लो की तरफ से शांति करने आए थे। पर यहाँ भी पाब्लो शांति के बदले में कैली कार्टेल से 12 मिलियन डॉलर मांग रहा था, तो पाचो गुस्से में होने के बावजूद भी मान जाता है बिकॉज उसे भी शांति चाहिए थी। पर जब मोनकाडो एंड गैलियानो पाब्लो से मिलने जेल में जाते हैं तो यहाँ पर पाब्लो को काफी चर्बी चढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे शांति चाहिए ही नहीं थी। वो अब कैली कार्टेल से 30 मिलियन डॉलर की मांग करता है एंड अपने नार्कोस पार्टनर से अब हर महीने वो 1 मिलियन डॉलर टैक्स लेने वाला था जो पहले सिर्फ 200,000 डॉलर्स थे। यहाँ पर पाब्लो नहीं तो देश में शांति थी, इसलिए कर्नल कॉरिलो का ट्रांसफर स्पेन में कर दिया जाता है। यहाँ पर अपने घर पर पाब्लो का बिजनेस संभाल रहा मोनकाडो अपने वाइफ को कंप्लेंट करता है कि पाब्लो ने उन पर 1 मिलियन डॉलर का टैक्स लगाया है, वो भी हर महीने के लिए। तो मोनकाडो की वाइफ को ये बात लग जाती है एंड अगले दिन पाब्लो का बर्थडे था इसलिए उसकी सारी फैमिली एंड मोनकाडो की वाइफ जेल में आते हैं। और यहाँ पर एक पार्टी थी और इसी पार्टी में मोनकाडो की वाइफ यानी जूडी पाब्लो को ताना मारती है इसी टैक्स को लेके, जिस ताने को सुन के पाब्लो को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो अगले ही दिन मोनकाडो एंड गैलियानो को बुला लेता है एंड उनपे एक मोटी सी लकड़ी से कई बार सर पर वार करके उन दोनों को जान से मार देता है। यानी पाब्लो ने उन दोनों लोगों को मार दिया था जो पाब्लो के जेल में रहते उसका ही बिजनेस संभाल रहे थे, और इन दोनों की लाशों को किसी को पता ना चले इसीलिए जला दिया जाता है। पर फिर भी सुनिए खबर बाहर सबको लग जाती है एंड कैली कार्टेल को जब ये खबर लगती है यानी पाचो को, तो वो अपने खास आदमी नेविडांटे को ये खबर एजेंट पेनिया को देने बोलता है। जी हाँ गाइज, वही नेविडांटे जिसने पाब्लो के पार्टनर गाचा को मारने में पुलिस की मदद की थी, वो असल में शुरुआत से ही पाचो का आदमी था एंड शुरुआत से ही कैली कार्टेल एंड मेडेलिन कार्टेल में बनती नहीं थी यानी कि पाब्लो एंड पाचो की गैंग में। और जैसे ही एजेंट पेनिया एंड स्टीव को ये खबर लगती है
वो इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि सच में पाब्लो ने अपने ही जेल में दो लोगों को मार दिया है, और ये पाब्लो एंड गवर्नमेंट के ट्रूस के खिलाफ था। पाब्लो को उसके जेल में किसी को मारना अलाउड नहीं था। तो लास्ट एपिसोड में क्या होता है ये अभी हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। एपिसोड 10 में यानी कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम प्रेसिडेंट गवेरिया को देखते हैं, जिस तक ये बात पहुंच चुकी थी कि पाब्लो के किले में जिसका नाम ला कैथेड्रल था उसमें दो लोगों को मार दिया गया है। एंड वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि समय आ गया है पाब्लो का वेकेशन खत्म करने का। एंड प्रेसिडेंट जो है वो पाब्लो के जेल में आर्मी भेजने का डिसाइड करता है, जिस आर्मी का हेड होगा एरिजा, और वो भी मेडिलिन से ही था। सुन पाब्लो के जेल के बाहर आर्मी फोर्स आके खड़ी होती है, और उन्हें देख के पाब्लो भी अपने जेल में छुपाए हथियारों को निकाल लेता है, और उसके पास भी थोड़े बहुत आदमी थे। आर्मी जनरल एरिजा जेल को चारों तरफ से सील कर देता है ताकि पाब्लो भाग ना सके। आर्मी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही थी, पर अंदर एंड बाहर सभी लोग हथियार के साथ तैयार थे। पाब्लो को उसके आदमी भागने का रूट बता रहे थे, पर अब पाब्लो बोलता है कि ये लड़ने का टाइम है। पर लड़ने से पहले वो प्रेसिडेंट गवेरिया से एक और बार बात करना चाहेगा, पर गवेरिया जो था वो पाब्लो से रिलेटेड कोई भी चीज सुनने को तैयार ही नहीं था। उल्टा प्रेसिडेंट गवेरिया वाइस प्रेसिडेंट को जेल के बाहर भेज देता है, और शाम होते होते वाइस प्रेसिडेंट भी इस जेल के सामने आ जाता है, और वो जनरल एरिजा को पूछता है कि तुम लोग अभी तक से जेल के अंदर क्यों नहीं गए। तो जनरल बोलता है कि उसे अंदर जाने के ऑर्डर्स अभी तक से नहीं मिले थे, इसीलिए वो बाहर खड़े हैं, जो कि एक स्ट्रेंज बात थी बिकॉज गवेरिया ने उन्हें अंदर जाने की ऑर्डर दी थी। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर यह समझ जाता है कि जनरल एरिजा जो मेडिलिन से ही था उसने शायद पाब्लो से पैसे खाए होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट बिना कोई सिक्योरिटी पाब्लो से मिलने उसके जेल में जाता है, और उसे लग रहा था कि पाब्लो उसे पूरे आर्मी के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर यही वाइस प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी गलती थी। उसने पाब्लो के हाथ में सोना दे दिया था। पाब्लो वाइस प्रेसिडेंट को ही बंदी बना लेता है, एंड प्रेसिडेंट गवेरिया को कॉल करके ये बोलने कहता है कि आर्मी को पीछे ले ले वरना वो उसे मार देगा। पर प्रेसिडेंट गवेरिया फिर भी बात नहीं मानता, एंड गवेरिया को ऑलरेडी पता था कि वाइस प्रेसिडेंट को पाब्लो किसी भी हाल में नहीं मार सकता, और अगर उसने उसे मारा तो आर्मी एक चुटकी में पाब्लो का एंड उसके सारे आदमियों को मार देगी। तो वो पाब्लो की सारी रिक्वेस्ट खारिज कर देता है। तो पाब्लो के पास कोई भी चारा नहीं था, तो वो अपने फैमिली को कॉल करके बोल देता है कि वो कुछ दिनों तक छुपके रहेगा, तो उसे फोन मत करना और वो जल्द ही वापस भी आएगा। एंड ये बोलने के बाद पाब्लो उसी जेल के नीचे बनी अंडरग्राउंड टनल से भाग निकलता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट को बाहर बिठा के रखा हुआ था, तो उसे इसकी खबर तक नहीं लगती। जब तक आर्मी वाले अंदर आते हैं, पाब्लो अपने खास आदमियों के साथ भाग चुका था। इस बार भी पुलिस के हाथों निराशा ही लगती है, एंड इसी के साथ एपिसोड 10 भी यहाँ पर एंड होता है, एंड सीजन 1 भी। अब गाइज ये थी पाब्लो एस्कोबार सीजन 1 की डिटेल वीडियो, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा। अब अगले सीजन 2 में भी टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसमें पाब्लो एस्कोबार आगे क्या क्या करता है ये लोग हम देख पाएंगे, और क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी या नहीं ये हम उसी वीडियो में देखेंगे। तो गाइज सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन भी बहुत जल्द आएगी। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकॉन ऑल पर कर देना, एंड नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।